तो बेटा यहाँ जो क्वेश्चन है वो है आपका स्टेट्स ऑफ मैटर का एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.2 का, ठीक है। जिसमें सवाल जो है वो बहुत ही सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर सवाल क्या कह रहा है वो सुनोगे अच्छा सा। एक वेसल है जिसमें कि 120 ml कैपेसिटी है ना। उसमें कुछ गैस रखा हुआ है 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 1.2 bar प्रेशर पर, यानी कि इस बर्तन में, मान लो यहाँ पर ये बर्तन में जो यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रेशर लग रहा है, वो प्रेशर यहाँ पर मान लो 1.2 bar प्रेशर लग रहा है, और इतने प्रेशर पर ये जो गैस रखा हुआ है इस वेसल में, उस यहाँ पर गैस का जो वॉल्यूम है, वो वॉल्यूम यहाँ पर दिया हुआ है कितना? वॉल्यूम दिया हुआ है 120 ml है, ठीक है। टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस है। आप ध्यान दो, इसी गैस को जो है पलट करके दूसरे वेसल में ट्रांसफर किया गया है। ऐसा वेसल जिसका यहाँ पर वॉल्यूम जो है वो 180 फिक्स किया हुआ है, वॉल्यूम 180 ml में फिक्स किया हुआ है वॉल्यूम। टेम्परेचर वही है, कांस्टेंट टेम्परेचर है, बट यहाँ पर वॉल्यूम कितना है? 180 ml है। अरे सिंपल बात है ना, तुम ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कि इसी 120 ml को कुछ प्रेशर घटा करके कितना कर दिया, प्रेशर घटाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ा करके 180 ml तक कर दिया गया है, तो कितना प्रेशर पर 180 ml होगा, यानी कितना कम करना होगा प्रेशर, कम करके कितना पहुंचाना पड़ेगा प्रेशर को कि वॉल्यूम 180 हो जाएगा। ऐसे ही सवाल को कह सकते हैं, मतलब गैस वही है, पिस्टन लगा दिए तो अभी 1.2 bar प्रेशर पर 120 ml है, अगर 180 ml करना हो, मैंने वॉल्यूम बढ़ाना हो, तो प्रेशर कहाँ लेके जाना होगा, 1.2 से कहां पर पहुंचाना होगा प्रेशर को, वो प्रेशर मांग रहा है यहाँ पर। जाहिर सी बात है, यहाँ पर वही P2 जो है, P2 बोल रहा है कितना होगा, यानी कि यहाँ पर आपको P1 दिया हुआ है, V1 दिया हुआ है, सेकेंड केस में V2 दिया हुआ है, और P2 बोला कितना होगा, यानी कि 180 ml जब गैस का वॉल्यूम करेंगे तो ये एक्सटर्नल प्रेशर जो होगा वो कितना करना पड़ेगा या कितना हो जाएगा उस बर्तन में। जाहिर सी बात है, अगर तुम ज्यादा गैस लेते हो, इक्वल अमाउंट में गैस लेते हो, और छोटा सिलेंडर में पैक करते हो, एक उसी गैस को बड़ा सिलेंडर में पैक करते हो, तो जो बड़े सिलेंडर में चूंकि वॉल्यूम ज्यादा है, तो अंदर जो प्रेशर होगा वो कम होगा, ठीक है, और छोटे सिलेंडर में क्या होगा, प्रेशर ज्यादा होगा। कॉन्स्टेंट टेम्परेचर है, पीवी रिलेशन है, बॉयल्स लॉ काम करेगा, और बॉयल्स लॉ में हम जानते हैं P1V1 इज इक्वल टू क्या होता है, P2V2। तो अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, P1V1 इज इक्वल टू P2V2, यानी कि इस कांस्टेंट टेम्परेचर पर एक किसी सिस्टम के लिए P इंटू बी का मान हमेशा कांस्टेंट होता है, चाहे कितनी बार हम प्रेशर को चेंज क्यों ना करें, वॉल्यूम चेंज क्यों ना करें, कुछ भी P इंटू वी में कोई कभी चेंज नहीं होता है। तो फर्स्ट केस में पी वी का मान जो होगा, सेकेंड केस में भी पी वी का मान वही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये कब होता है, तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को मांग क्या रहा है, P2 मांग रहा है, तो P2 क्या हो जाएगा, P1V1 by V2 हो जाएगा। तो P1 कितना हमारे पास है, P1 है 1.2 bar है, V1 कितना है, पहला वॉल्यूम 120 ml है, V2 कितना है 180 ml है, ml से ml खत्म हो जाएगा, आंसर हमारा बार में आएगा, तो यहाँ पर ये जो है कैंसिल आउट होगा टोटल, तो यहाँ पर ये खत्म हो गया, ठीक है। ये हो जाएगा 2 से 0.6, ये 2 से 2 * 18 हो जाएगा, 3 से कटेगा तो 3 * 3 = 9 हो जाएगा, 3 * 4 = 12 हो जाएगा, और 3 से ये कटेगा तो 0.2 हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हो गया 0.8 bar प्रेशर यहाँ पर आंसर आएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि 1.2 bar प्रेशर से ये घट के कितना प्रेशर हो जाएगा, 0.8 हो जाएगा, जब हम गैस को एक्सपेंड करके उसको हम लोग 180 ml वॉल्यूम में रख देंगे, तो ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, सवाल वही था, यहाँ पर प्रेशर को चेंज करके वॉल्यूम चेंज करना था कांस्टेंट टेम्परेचर पर, सवाल उलट पुलट करके अलग ढंग का, यानी कि इससे पहला सवाल भी तो यही सवाल था, बस यहाँ पर सवाल जो है कुछ से कुछ करके सवाल को चेंज करके सवाल पूछ दिया जाता है, सेंस सबका सेम ही रहता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। तो भाई यहाँ पर सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को, और वीडियो को लाइक जरूर करके जाना, ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पर रेगुलर हर एक चैप्टर 11 12 सबका वीडियो आपको लगातार यहाँ पर मिलते रहेगा, बेहतर यहाँ पर आपको हमेशा एक्सप्लेनेशन के साथ मिलते रहेगा, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके ही जाना, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक।